you to be strong. तो अवतार द वे ऑफ वाटर देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जेम्स कैमरन ने जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया। अवतार 1 के बाद इसकी कहानी इस पार्ट में जेक सली और उसके परिवार से ही चलती है और ह्यूमंस के फिर से वापस आ जाने की वजह से जेक सली को अपने गांव और अपने परिवार को बचाने के लिए उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है और ये दूसरी जगह और कुछ नहीं पानी के साथ रहने वाले नावी होते हैं। और इसके आगे क्या जेक सली जीतेगा या नहीं, क्या ह्यूमंस इस जंग में जीतेंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिल्म के विजुअल्स बहुत ही बेहतरीन हैं। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कितनी ब्यूटीफुल है ये फिल्म। अवतार 1 से बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिल्म देखते टाइम आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि आप जो चीज़ देख रहे हो वो नकली है। अंडरवाटर सीन्स जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि आप उन कैरेक्टर्स के साथ उसे फील कर रहे हो और मूवी में जितने भी सी क्रिएचर्स दिखाए गए हैं वो बेहतरीन हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सी क्रिएचर्स के इमोशंस को फील कर पाऊंगा, लेकिन इस चीज़ को जेम्स कैमरॉन ने करके दिखाया है। तो अगर मैं आपको ओवरऑल कहूँ तो मूवी के वीएफएक्स बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको बेस्ट 3D एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। इस मूवी में कमी निकालना लगभग नामुमकिन है। इस मूवी में वायलेंस भी बहुत सारा है। एक्शन सीन्स के टाइम बैकग्राउंड म्यूजिक आपको उस मोमेंट के साथ बांध के रखते हैं और अंत में जेम्स कैमरन ने जो पानी की फिलोसफी समझाई है वो आपके दिल को छू जाती है। हालांकि मूवी की एक नेगेटिव पॉइंट भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मूवी कुछ ज्यादा ही लंबी है, लेकिन मूवी के विजुअल्स आपको उस लेंथ को फील करने नहीं देते। ये वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो अगर आपने अवतार द वे ऑफ वाटर देखा है तो आप मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही मूवी रिलेटेड कॉन्टेंट्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।